दोस्तों, प्रकृति ने बड़े ही फुर्सत में सभी जीवों को एक दूसरे के पूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में और सच्चे दोस्त के रूप में बनाया है। आज मैं बात करूंगा वल्चर यानी गिद्ध के बारे में। आखिर ये गिद्ध भारत से कहां लुप्त हो गए? एक समय था जब झुंड के झुंड गिद्ध हर जगह, बड़े बड़े पेड़ों पर तो कहीं खेतों और गड्ढों में जीवाश्म भक्षण करते नजर आते थे। यहाँ तक कि जब आकाश की ओर नजरें जाती थी तो आकाश में भी ये विचरण करते चिल्लौर गिद्ध नजर आ ही जाते थे। हजारों फीट से भी ऊपर उड़ान भरकर अपने भोजन की तलाश करते रहते थे और ये हजारों फीट की ऊंचाई से 80 किलोमीटर दूरी तक अपना शिकार खोजने में सक्षम होते थे और 80 किलोमीटर के अंदर जहां भी उसे शिकार नजर आता, सभी गिद्ध साथी को बुलाकर उस शिकार को तुरंत से ही चट कर जाता। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्ध सरे गले मांस पर बैठने के कारण इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने पैरों पर पेशाब कर उस इन्फेक्शन से बचने का भी काम करते हैं, क्योंकि उसके पेशाब में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। प्रकृति ने गिद्धों को बड़े ही विचित्र प्राणी के रूप में बनाया है, जो सरा गला मांस को खाकर उसे सरलता से पचा भी लेता है, क्योंकि गिद्ध में पाचन क्रिया बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। विडेड गिद्ध दुनिया में ऐसे एकलौता पक्षी है जो अपने भोजन में 70-80% हड्डियों को भी शामिल कर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हासिल कर लेते हैं। गिद्धों के पेट का एसिड इतना ज्यादा तेज होता है कि हैजा और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को भी वो नष्ट कर देता है। प्रकृति को साफ और स्वच्छ रखने वाला सफाई कर्मी यानी कि गिद्ध मरे हुए जीव को तुरंत से ही चंद मिनटों में ही अपना पेट भरकर प्रकृति को स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाए रखते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी लापरवाही के कारण ये गिद्ध अब लुप्त तो होने के कगार पर है। अब चलिए जानते हैं क्यों नहीं नजर आते हैं गिद्ध, आखिर कहां गए इतने सारे गिद्ध। सन 1990 के दशक के पहले भारत में गिद्धों की संख्या लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर थी, लेकिन अब गिद्धों की संख्या में 95% से भी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इस तरह की कमी हमारे भारत देश के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में भी देखने को मिला है। वैज्ञानिकों के रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि पालतू पशुओं में इस्तेमाल हो रही कुछ मेडिसिन से पशुओं के शरीर को ये पॉइजनस बना रही है और उस पशु के मरने के बाद गिद्ध जब उस मांस का भक्षण करता है तो उस पशु में प्रयोग किए गए पॉइजनस मेडिसिन का असर उस गिद्ध पक्षी पर पड़ने से सारा गिद्ध ज्यादा से ज्यादा मरने लगा, धराशायी होने लगा। अब ये देखना है कि जो गिद्ध सरे गले जीवाश्म को खाकर भी पचा देता था, पर वो आखिर कौन सा मेडिसिन है जो पशु के बचाव यानी कि इलाज के ख्याल से प्रयोग किया जाता है, जो उसका मांस इतना ज्यादा पॉइजनस हो गया है जिसके कारण लगभग 95% से ज्यादा गिद्ध आज मर चुका है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से दो ही दवाइयां हैं जो सारे गिद्धों का नामो निशान मिटा रहे हैं, वो है ऑक्सीटॉक्सिन और डाइक्लोफेनिक सोडियम। ऑक्सीटॉक्सिन पशुओं के दूध निकालने के ख्याल से इस्तेमाल की जाती है। डाइक्लोफेनिक का प्रयोग पशुओं के दर्द और सूजन को कम करने के लिए की जाती है। अब इलाज के दौरान या समय से पहले भी जब पशु मरता है तो उस मेडिसिन के असर से उसके मांस, हड्डी, ब्लड सब कुछ पॉइजनस हो जाता है और जब मरे हुए पशु को खुले में फेंक दिया जाता है तो उस मांस को गिद्ध खाते हैं। उस पॉइजनस मांस में प्रयोग किया गया दो दवाइयां गिद्धों के शरीर पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ऑक्सीटॉक्सिन गिद्धों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालती है और गिद्धों को बांझ बना देती है। गिद्ध मेटिंग तो करती है पर अंडे नहीं देती। इसने गिद्धों के जेनरेशन को ही रोक दिया, प्रभावित कर दिया। एंटी फ्लामेंट्री कैटेगरी की ये ड्रग्स हैं। इस ड्रग्स का प्रयोग से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है। ये गिद्ध के यूरिनरी सिस्टम को विशेष रूप से प्रभावित करती है और गिद्धों के किडनी फेल होने के कारण उसकी मौत 12 से 24 घंटे के अंदर ही हो जाती है। तीव्र गति से गिद्धों को घटते देख वैज्ञानिकों की नजर पड़ी तो उसने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के उपरांत खुलासा हुआ कि ऑक्सीटॉक्सिन और डाइक्लोफेनिक ड्रग्स के दुष्प्रभाव से ही गिद्धों की संख्या करोड़ों से लाखों और लाखों से हजारों में सिमट गया।
इस बात की खबर सरकार तक जब तक पहुंची, तब तक तो गिद्धों की संख्या मात्र 4-5% ही बची थी। सरकार ने ऑक्सीटॉक्सिन और डाइक्लोफेनिक ड्रग्स को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इस मेडिसिन का प्रयोग चोरी छुपे चलता ही आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गिद्ध का प्रकृति में होना क्यों आवश्यक है? घंटों का काम मिनटों में निपटाने वाला गिद्ध सरा गला मांस को खाकर वातावरण को साफ और स्वच्छ रखकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और हमें उससे फैलने वाले बीमारियों से भी बचाते हैं। वैसे तो आप देखते होंगे कि कुत्ते, बिल्ली, सियार ये सभी भी सड़े गले मांसों को खाते हैं, परंतु वह अपने साथ कई बीमारियों को भी लाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति में सड़े गले मांस को खाने के लिए विशेष तौर पर गिद्धों को ही बनाया है। इसीलिए गिद्धों पर सड़े गले मांस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके शरीर में वो विषाणुरोधक गुण पहले से ही मौजूद रहता है, जिसके कारण सरा गला मांस का कीटाणु भी निष्क्रिय हो जाता है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां थी, लेकिन पिंजौर वल्चर्स प्रिजर्वेशन सेंटर में मात्र 3 प्रजातियां का संरक्षण किया जा रहा है और इसकी तादाद में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की पहले देखी जा रही थी। इसलिए दोस्तों, इस बहुमूल्य पक्षी को बचाने में आप भी सहयोग करें और अपने पशु के ऊपर ऑक्सीटॉक्सिन और डाइक्लोफेनिक ड्रग्स का प्रयोग ना होने दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी प्रकृति को बचाने में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को हर व्यक्ति के पास शेयर करें, ताकि सभी व्यक्ति इस बात को समझ सके, जान सके कि गिद्ध हमारे इस प्रकृति के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे कैसे बचाया जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।